Let us start, friends. Very good evening. Once again to you, good evening. Okay, we will be talking today on IOS, interpretations of statues. Okay, so last lecture also I had been talking on interpretation of statues. This will also be a main question if you are taking into consideration interpretation of statues. Very, 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 very important topic आपके life के लिए. आप लोग आईपीसी क्राइम में प्रैक्टिस करोगे, सिविल में प्रैक्टिस करोगे, टैक्सेशन में प्रैक्टिस करोगे, कोई भी सेशन में प्रैक्टिस करोगे, आपको इम्पोर्टेंट उसके अंदर होगा कि आप उसको इंटरप्रेट करें. ओके, अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट इंटरप्रेटिंग द क्लॉज, यू आर नॉट इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूज, आपको क्या काम करना है समझ में ही नहीं आएगा. तो ये सभी लॉ का लॉ है, हर एक लॉ के पीछे का रीजनिंग है, हर एक लॉ के पीछे का सोच है. Okay, just to tell with you is judge is there, his role is just decree, not just dare. Dare, D-A-R-E, dare का meaning क्या होता है कि judge अपने हिसाब से daring नहीं कर सकता है. वो अपने हिसाब से अपने opinion और suggestion के साथ, वो opinion दे सकता है पर suggestion के साथ judgment नहीं दे सकता है. Judgment होता है उसे हम decree कहते हैं, just decree कहते हैं, यानी वो जो वहां से इन्फर करेगा, जो वहां से पूरा उसने सुना है उसी के बेस के ऊपर, उसका मन भले ही कहता हो कि वो कल्प्रिट है ही है, बट फिर भी अगर प्रूव नहीं हो पाता है तो उसे उसे छोड़ना पड़ेगा. तो जज का ये रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो बेसिकली हाउ यू एक्सप्लेन, हाउ यू इंटरप्रेट एंड यू प्रेजेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल. तो ये बात हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में सीखते हैं. तो लास्ट टाइम आई हैव सेड यू कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज कैसे इंपॉर्टेंट है, कि लाइफ के अंदर भी हम लोग कुछ कुछ लॉज पढ़ते हैं तो उसके लिए इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल. ओके, अब पर्सनल लाइफ के भी मैंने एग्जांपल्स दिए थे बहुत सारे. हमने अहम ब्रह्मास्मि की बात की थी, फिर हमने ये देखा था कि वो ट्रक ड्राइवर था जिसको पता ही नहीं था कि उसके ट्रक पे ड्रग्स है, उसकी ट्रक को कॉन्फिस्केट किया गया, तो उसके लॉयर हैज फाउंड इट आउट दैट द स्टेटमेंट इज मे बी कॉन्फिस्केटेड. तो यहाँ मे बी को डिस्क्रिशनरी जो दिया है, तो इन दिस केस मे बी नॉट बी कॉन्फिस्केटेड बिकॉज ड्राइवर इनोसेंट है और उसका लाइवलीहुड उस पर अटक गया है. ठीक है, सो उसके लाइवलीहुड उसके ऊपर अटका हुआ है. सो दैट इज वॉट इज अ रीजन दैट वी शुड ऑलवेज बी always be dependent on interpretation. Interpretation is very, very, very important. Okay, so this is where we come from. And then we have seen lot of other cases also, जहाँ interpretation वो signal वाला case भी हमने देखा था. और फिर हमने interpretation का तो meaning समझा, but हमारा जो word था, okay, what we were been learning or what our subject name is our subject name is interpretation of statues, and the question come to us, what is statues. Can you see the screen on the board? Can you see the board? Yes, sir. So there is a question which come to us is what is statues. Okay, is there only statue or statues or kar bhi kuch hai? Okay, हम नॉर्मली जब भी देखते हैं तो हमें सुना आया है एक्ट और लॉ, ये वर्ड सुनाई देता है, हमें सुनाई देता है रूल्स, हमें सुनाई देता है रेगुलेशंस. ओके, क्या ये सब एक ही है या ये सब अलग है? दैट इज व्हाट इज अ क्वेश्चन व्हिच कम टू अस. ओके, कैन एनीवन ऑफ यू डिफाइन दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट?
Can anyone tell me what is it? Cannot Can you hear me? Can you hear me now? Okay, so if you can hear me, I have put up on the screen, you can see it out. Act, law, rules, regulation, ordinance, amendment, these are the word what we see. So my question is this thing, okay, do you know the difference between them or something similarities between them? That is our primary concern. Can anyone tell me? Shruti? सर वापिस रिपीट करो ना. The difference between statutes, rules, regulation and ordinance. Okay, let us take one by one. Okay, आप लोग सबको सुनाई दे रहा है, you can hear me, right? You can put up into the message if you can hear me or not. हम पहले लेते हैं that हमें पता है law making bodies क्या है, तो legislation is a law making body. Okay, legislation यानी क्या? Parliament. What do you mean by parliament? What comes under parliament? नीतु लोकसभा राज्यसभा. एब्सोल्युटली राइट श्रुति, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो जब हम लोग पहले कुछ भी नया लाना है, रेगुलेशंस वगैरह, रूल्स वगैरह, जो हमारे पूरे इंडिया को बाइंड करेगा या पर्टिकुलर स्टेट को बाइंड करेगा, तो वो हम लोग पहले लोकसभा या राज्यसभा में पुटअप करते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कमीशन बिठाई जाती है. कमीशन उसको स्टडी करेगा that what is happening, it is appropriate, not appropriate, uski necessity kitni hai, uska importance kaisa hai, kya hona chahiye, kya nahi hona chahiye, aur ye sab wo study karke, whoever have set the commission, Lok Sabha ya Rajya Sabha, wo Lok Sabha bhi ho sakti hai, Rajya Sabha bhi ho sakti hai, kahin bhi ho sakta hai, wahan pe wo present karega jise hum kahenge bill. Am I right? Jise hum kahenge bill. Okay, so legislation ke andar legislation is rule making body which consists of Lok Sabha and Rajya Sabha. Please tell me if I am typing and you cannot see. Okay. Now what is the process in this? It occurs is, okay, commission studies and submit report to either of the house, Lok Sabha ya Rajya Sabha kahin pe bhi wo rakhte hai report. Okay, which is called bill. Now it is not necessary wo report hi ho, wo changes bhi ho sakte hai law mein, ya to fir kuch naya law bhi ho sakta hai. Okay, everything it can be. Okay, so which is called bill. Okay, आप मेरे को बताइएगा recent कौन सा bill है जो law के related है, जो law से connected है, जो अभी government में put up किया गया है. Okay, it is sent by a central body. This has been put up by a central body or a state body.
व्हेन दिस बिल इज पुट अप, सपोज लोकसभा में जाता है, हम लोकसभा से लेते हैं स्टार्ट, ओके, तो उसे मेजोरिटी से पास किया जाता है, ओके, मेजोरिटी से पास किया जाता है ऑफ द मेंबर हु आर अटेंडिंग, जो अटेंडिंग मेंबर है, सो अटेंडिंग मेंबर यानी क्या, मीटिंग करने के लिए बेसिक मेंबर 1/3 लगता है, तो 1/3 मेंबर से भी ये पास हो सकता है, अंटिल एंड अनलेस कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसको स्पेशल मेजोरिटी लगती है, जहां पे मोर देन हाफ मेंबर्स आर मिनिमम रिक्वायर्ड। ये कुछ मेंबर्स का कौन सा ये है, लाइक अभी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया, कश्मीर इज इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेजर चेंज था, इस चेंज को रेगुलर बॉडी यानी 1/3 मेंबर से नहीं पास किया जा सकता है, ओके, इसके अंदर मेजर ये लगता है, एंटिल आई नो इट द फैक्ट इज, जब कश्मीर का मुद्दा था तभी अटेंडेंस 100% थी, दो मेजोरिटी से चल सकता था, यानी मोर देन हाफ से चल सकता था, बट येट इट वॉज बीन देयर एंड दैट इज वॉट हाउ द इंडिया इज इन द रिस्पॉन्स, तो मेजोरिटी से उसे पास करना पड़ता है, जब मेजोरिटी से वो लोकसभा में पास होगा, ओके, देन इट ट्रैवल्स टू, अगर वो वहां पे पास नहीं हुआ तो वहीं पे खत्म हो जाता है, बट इफ इट इज पास देन इट ट्रैवल्स टू राज्यसभा, ट्रैवल्स टू मीन्स इट इज प्रेजेंटेड टू राज्यसभा, then it is presented in Rajya Sabha and vice versa. अगर राज्य सभा में पहले पास हो चुका है तो वो लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में पास हुआ है तो राज्य सभा में जाएगा. That is what is an understanding. Okay. Now when this has been done, okay, there is another thing which comes into the picture, which is very very essential is, okay, suppose राज्य सभा में उसको accept नहीं किया गया, तो क्या? राज्यसभा को दो चीजें बताई जाती है, वन व्हेन एनी बिल कम्स इट शुड बी अप्रूव्ड विद इन और डिसअप्रूव्ड विद इन 45 डेज, कुछ स्पेशल मेजोरिटी वाला होता है उसको 90 डेज का भी ऑप्शन मिलता है, यस राइट, देन बिल विल नॉट गो टू प्रेसिडेंट, ओके, अगर 45 डेज या 90 डेज में राज्यसभा does not respond, then it is considered to be approved. Okay. आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो मैंने टाइप किया है, लिखा है? ओके, ओके, सो 45 डेज और 90 डेज अगर राज्यसभा ने, अगर लोकसभा से राज्यसभा में गया और उसे रिस्पॉन्ड नहीं किया, या राज्यसभा से लोकसभा में गया और उसे रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसे अप्रूव कर दिया जाएगा, पर अगर नहीं किया है, ओके, अगर डिसअप्रूव किया है तो इट अगेन गो टू अनदर हाउस, इट अगेन गो टू ओरिजिनल हाउस जहां से वो आया था फॉर corrections or denial, okay, यानी वो वापिस चला जाता है, फिर अगर राज्यसभा से आया है तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा ने deny किया है तो वापिस राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसमें necessary change करेगी या तो उसे cancel कर देगी, वो उसके ऊपर, अगर cancel कर दिया तो वो bill खत्म हो गया, उसको आगे कुछ नहीं करना है, पर अगर उसमें correction करके आगे भेजा तो लोकसभा वापिस उसे reconsider करेगी, बट राज्यसभा ने अगर रिकंसिडरेशन के लिए लोकसभा के पास भेजा और अगर लोकसभा अप्रूव करती है, देन इट इज फाइनल, देन इट इज फाइनल, अगर राज्यसभा ने रिजेक्ट किया, ओके, तो लोकसभा ने अप्रूव किया तो वो लोकसभा का अप्रूवल वैलिड गिना जाता है, कोई मुझे बताएगा क्यों कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टडी किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी स्टडी किया है, कोई मुझे बताएगा क्यों? श्रुतिका,
क्या मैडम, कैन यू टेल मी व्हाई? श्रुति, नूपुर, गाइस सेड अगर राज्यसभा लोकसभा के पास मिल जाता है, राज्यसभा के पास, राज्यसभा उसे रिजेक्ट करता है या करेक्शन देता है, वो लोकसभा के पास आता है। लोकसभा ने अगर उसे करेक्शन किया तो इट इज ओके, बट अगर लोकसभा ने करेक्शन किए बिना उसने बोला कि नहीं हमको ये का ये चाहिए, ओके, तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाए प्रेसिडेंट के पास जाने के लिए। पर अगर राज्यसभा का कोई बिल लोकसभा में आता है, लोकसभा में उसे चैलेंज किया, तो राज्यसभा उसको बाद में अप्रूव करेगी, तो वो अप्रूव नहीं होगा जब तक लोकसभा का परमिशन नहीं आता। कैन एनिमल टेल मी व्हाई? कैन एनीवन टेल मी व्हाई? I am again repeating. Please check it out. Okay. लोकसभा से राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने रिजेक्ट किया, फिर लोकसभा के पास आया और लोकसभा ने अप्रूव किया, तो अबाउ द राज्यसभा इट विल डायरेक्टली कैन गो टू द प्रेसिडेंट, इट विल नॉट बी कमिंग अगेन फॉर अ करेक्शन फ्रॉम राज्यसभा टू लोकसभा। पर अगर राज्यसभा में कुछ अप्रूव हुआ है और लोकसभा में उसे रिजेक्ट किया है, तो राज्यसभा अप्रूव करके उसे डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज सकती। व्हाई? व्हाई? नो वन? ओके, आई विल टेल यू, बिकॉज लोकसभा हैज मोर मेंबर देन राज्यसभा। आ रहा है समझ में? Are you getting it? Lok Sabha has a very heavy majority than Rajya Sabha. फिर Lok Sabha का approve होकर वो जाता है President के पास. Now President के पास Nupur, can you hear me? Neetu, Neha, can you hear me? Yes, sir. Sir. Okay. श्रुतिका, डू वन म्यूट एंड अनम्यूट योरसेल्फ। एक बार म्यूट और अनम्यूट करो। किया। नाउ यू कैन हियर? हाँ सर। ओके, देन वन सेकेंड। मैं लाइक हाँ, सो देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट के पास तीन पावर है, एक ओके सिंपल पावर, वो उसे अप्रूव करे, दूसरा पावर है रिजेक्ट करे, और तीसरा पावर है हैंग करे। ओके, अप्रूव की बात हम लास्ट में लेंगे, हम पहले लेते हैं बात हैंग। व्हाट डू यू मीन बाय हैंग? हैंग यानी प्रेसिडेंट हा भी ना कहेगा, ना भी नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो कॉन्ट्रोवर्सीज में आ सकता। जस्ट टू शेयर विद यू, जब कसाब की फांसी रोकने का उनको पर ये गया था, पिटिशन गया था, तो प्रेसिडेंट हैड नाइदर सेड यस नॉर सेड नो, वन ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड हैज पास ऑन द बकेट टू अनदर प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स अनदर प्रेसिडेंट वाज स्ट्रांग इनफ टू रिजेक्ट द पिटिशन, बट वन प्रेसिडेंट हैड लेस टाइम, सो दैट पिटिशन वाज केप्ट हैंगिंग। आया समझ में? वो पिटीशन है या कोई भी बिल है, कुछ भी है, ओके, प्रेसिडेंट का राइट है उसे हैंग करके रखना। दूसरी बात आती है रिजेक्ट किया। अगर प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट किया तो लोकसभा राज्यसभा उसमें करेक्शन करके वापस प्रेसिडेंट के पास भेजे, और प्रेसिडेंट ही उसमें करेक्शन सजेस्ट करेगा जो लोकसभा राज्यसभा एक्सेप्ट या डिनाई करेगी।
पर अगर लोकसभा राज्यसभा ने उसे डिनाई करने से मना कर दिया, लोकसभा राज्यसभा ने एक्सेप्ट किया, तो प्रेसिडेंट हैज टू अप्रूव इट। प्रेसिडेंट को और एक बीच में राइट आता है, दैट राइट इज बेसिकली कि अगर अगर लोकसभा राज्यसभा का अप्रूवल आ गया है, फिर भी प्रेसिडेंट एक होल्ड लेकर उनका जॉइंट मीटिंग बुला सकता है, और जॉइंट मीटिंग बुलाकर वो उनके साथ डिस्कशन करके उसको अप्रूवल या डिसअप्रूवल करेगा। बट अगर जॉइंट मीटिंग हो गई तो प्रेसिडेंट हैज नो अदर ऑप्शन, प्रेसिडेंट हैज नो अदर ऑप्शन देन टू अप्रूव इट, देन टू अप्रूव इट, देन टू अप्रूव इट। I hope you can see on the screen. Okay. Once it is approved, it is said to be act or law. It is said as an act or law. That is what it becomes. ये एक्ट और लॉ हो सकता है, और अगर कुल बनाया है यानी कुल लॉ नया है तो उसे एक्ट या तो लॉ कहेंगे। बट अगर कोई एक प्रावधान में यानी एक सेक्शन में या एक पार्ट के अंदर अगर हमने चेंज किया है, एक पार्ट में चेंज किया है, पार्ट और वन सेक्शन इज बीन चेंज, या वन पार्ट इज बीन चेंज, वन सेक्शन वन आर्टिकल इज बीन चेंज, तो उसे हम कहते हैं अमेंडमेंट। ओके, आफ्टर प्रेसिडेंट्स अप्रूवल इट इज सेड दैट दिस इज बीन अमेंडेड, टिल दैट इट इज ओनली अ बिल। तो बिल अमेंडमेंट के लिए भी हो सकता है, लॉ बनाने के लिए भी हो सकता है, मनी बिल होता है वो हम लोग अभी नहीं बात करेंगे बिकॉज वी आर इनटू मेकिंग ऑफ लॉ। तो ये जो एक्ट और लॉ है उसे ही हम स्टेच्यूज कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज रूल्स रेगुलेशंस। सो लेट अस अंडरस्टैंड रेगुलेशंस, लेट अस अंडरस्टैंड रेगुलेशंस, व्हाट इज रेगुलेशंस। ओके, तो गवर्नमेंट मे बी सेंटर या भी स्टेट, ओके, गिव्स सर्टन राइट्स टू सम कमिटी और सम ऑर्गेनाइजेशन टू मेक सम रूल्स, टू मेक सम रूल्स। यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। ओके, लाइक एशियन गेम्स पता है आप लोग को, यू नो द एशियन गेम्स। नेहा, एशियन गेम्स कितने टाइम होती है साल में? क्या सर वॉइस पे? साल में कितने टाइम होती है? दो टाइम सर। आर यू श्योर? नुपुर, रिपीट ना सर, वॉइस ब्रेक को क्या रहा है। एशियन गेम कितनी टाइम होती है? नीतू, श्रुति, श्रुतिका, एशियन गेम 5 ईयर में वन टाइम होता है, ओके, इन इंडिया। ओके, बाकी हर साल जो होता है वो दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्रीज में होता है। ओके, तो ये एशियन गेम्स का एक बोर्ड है। ओके, वो बोर्ड जो रूल्स बनाता है, ओके, वो बोर्ड बनाएगा एशियन गेम्स रूल्स, विच इज नथिंग एल्स व्हाट वी कॉल्ड इट रेगुलेशंस। वी कॉल्ड इट रेगुलेशंस। अब नेक्स्ट वर्ड आता है ऑर्डिनांस। व्हाट इज ऑर्डिनांस, व्हाट इज ऑर्डिनांस? तो ऑर्डिनांस यानी गवर्नमेंट स्पेशल
अथॉरिटी या बॉडी अपॉइंट करती है, लाइक म्युनिसिपल कमीशन, लाइक म्युनिसिपल कमीशन. ओके, व्हाट इज दिस म्युनिसिपल कमीशन? व्हेन म्युनिसिपल कमीशन मेक्स एनी रूल्स और रेगुलेशंस फॉर दैट एंटायर एरिया इट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस. ओके, ये खाली म्युनिसिपल कमीशन ही नहीं हो सकती, अदर अथॉरिटीज ऑल्सो इट कैन बी विच कम्स अंडर द गवर्नमेंट. बट ये देखोगे तो दिस आर ऑल नॉट गवर्नमेंट अथॉरिटी, दिस आर सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड दिस आर डायरेक्टली गवर्नमेंट अथॉरिटी. आर यू गेटिंग दिस पार्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड दिस ऑल ऑर्डिनेंस रेगुलेशन रूल्स एक्ट लॉ, ये सब स्टैच्यूज में हम कंसिडर कर सकते. दिस ऑल आर बीन स्टैच्यूज. There are various types of statues. इसके ऊपर हम आएंगे next lecture, but these are all types of statues. Now when I talk about the statues, okay, तो इसके बोलने के लिए कुछ ये होते हैं. It is built into bill. Bill generally होता है clause, sub clause and paragraph में. Now you can hear me. Now you can hear me. ये जो कुछ रूल ऑर्डिनेंस रेगुलेशन बिल एवरीथिंग इज देयर, उनको प्रोनाउंस करने में, उनको लिखने के अंदर देर इज वन टाइप. ओके, सो व्हेन यू सी बिल, bill is generally clause, sub clause, paragraph. When it is an act or law, okay, it is in sections, subsections and paragraph. Okay. Another is orders. ऑर्डर्स को कैसे डिवाइड करेंगे हम? ओके, आर्टिकल्स एंड पैराग्राफ, इसमें और सब डिविजन नहीं जाता है. नेक्स्ट इज रूल्स. रूल्स कैसा होगा? रूल इज बेसिकली रूल, वो रूल का पैराग्राफ होगा और उसका सब पैराग्राफ होगा. Regulations again goes as such. Regulation also going same way. Regulations का regulations होगा, paragraph होगा और sub paragraph होगा. This is how it will be. Are you getting it? I hope so. You have written down things out. सर वो नीचे करो ना. एक सेकेंड ना. दिस आई एम सेंडिंग यू ऑन योर व्हाट्सएप, इज इट ओके? Can I cancel it? I will be sending you in your WhatsApp. Okay, sir.
So now let us go towards the next. Okay. So aapko, now you are very clear. Now you are very clear with our basic understanding. Okay. What is interpretation and what is statues? So interpretation of statue word has been decoded. Now the statues are there. उसमें जो जो सारी चीजें आती है हमें उसे इंटरप्रेट करना है. तो ये इंटरप्रेट करना कैसे है? ओके, सो उसके लिए व्हाट वी हैव टू लर्न थ्रू आउट अवर सेशन. ओके, सो दैट वी विल बी स्टार्टिंग. अब तक जितना सिखाया विल मेक यू हेल्प यू आउट टू मेक एन इंट्रोडक्टरी पैरा. ओके, सो व्हाट आर द पॉइंट्स यू नीड टू रिमेम्बर? इंटरप्रिटेशंस. लास्ट टाइम मैंने श्लोक एक बताया था इंटरप्रिटेशन के लिए, जैमिनी सूत्र में से, जैमिनी मीमांसा में से. Okay, you can use that. Okay, you can use what is the statues. Okay, uska briefing kar sakte ho aap. Okay, and then what is an interpretation? You should also write it out. It is just decree and not just dare. Okay, it is just decree and not just dare. Okay, so there is a maxim. If you want a maxim, I can give you the maxim. The maxim is optima est lex minimum reliquit arbitrio judici optimus judis qui minimum sibi. That means that system of law is best which relinquishes as little so possible to discretion of the judge, that the judge best who rules, who relies as little as possible on his own opinion. So this I will be giving you. Okay, fine. This I will be giving you on your WhatsApp. Is it okay? Okay. I will be sending on your WhatsApp. Okay. This thing, and I will be also sending you the shlok. Shlok, I want to make it into Sanskrit. I will write it out by hand and I will send it to you. Okay. Now next comes is, so what all we have to do to interpret it? What all we have to do to interpret it, which I will be starting one by one from next lecture. Okay, so there are first thing and foremost thing are rules of interpretation. There are rules of interpretations. Okay, this rules will be helping us the most. Okay, basically these rules are 6 in number. Okay, plus there are additionally 7 points what you can consider it. So 6 plus 7, 13 rules you can consider it. 13 rules you can consider it. So we have to learn 13 rules, I think. So maximum for 2 or 3 lectures will go to it. Okay, but to interpret this with the rules you require some support. To require some support, and this support is given by aids means supporting aids, and ye aids hote hai do type ke. One is internal and another is external. Friends, believe me, aapko sabse easy jo jayega wo internal and external aids. Read internal and external aid by heart it. आप लोग का 12 से 12 टू 14 मार्क, 12 से 14 मार्क आपका फिक्स है. ठीक है, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल एड एंड एक्सटर्नल एड आर सो सिंपल कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको फटाफट हो जाएगा. ठीक है, फॉलो द ट्रिक्स व्हाट आई विल बी टेलिंग यू. ठीक है, वैसे ही रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर ऑल्सो वेरी सिंपल, बट वॉट यू नीड टू डू इज देयर इज यू नीड टू ब्रिंग इन द केस लॉस एग्जाम्पल्स ब्लॉक बल्ज इन करते पड़ेंगे. Okay, then there is a topic called presumptions. I will not explain you anything on the presumptions right now. Okay, fourth point what will be there to you is general laws. इतना पुराना है कि वो 1897 का है, पर हम आज भी उसे चला रहे हैं. ओके,
उसके साथ साथ और थोड़े पॉइंट्स होंगे जो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो दिस आर द फोर मेन एस्पेक्ट। अगर आपको 100 मार्क डिवाइड करने हैं तो फॉरगेट 10 टू 15 मार्क, रिमेनिंग मार्क यू डिवाइड बिटवीन दिस फोर। ये चार में से आप कुछ भी तीन अच्छे से कर लो, ओके आई एम गिविंग यू अ डैम एश्योरेंस यू कैन स्कोर 75-80 इन दैट। इफ यू डू जनरल क्लॉज एक्ट वेरी नाइसली विच इज वेरी ईजी ऑल्सो, ओके यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स, ओके यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स। ओके सो मेन कॉन्फ्लिक्ट विल बी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड प्रिजम्पशंस। ओके यहाँ पे हमें कुछ दिमाग लगाना है, कुछ बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं और इजी चीजें हैं जो हमें समझनी है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ स्टैच्यूज एंड ऑल वी विल बी डूइंग, दैट इज अ सेपरेट इश्यूज, दैट इज अ सेपरेट स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स व्हाट वी विल बी डीलिंग अबाउट फॉर शॉर्ट नोट और पार्ट ऑफ इट और समथिंग। ओके सम पॉइंट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड ऑल वी कैन टेक इट एंड एक्सटर्नली फॉर कंसिडरेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट। ओके डू यू हैव एनी क्वेश्चन टिल हियर? ये शॉर्ट में समझ लो हमें चार पार्ट में डिवाइडेड है। मैं जैसे ही एड्स इंटरनल एक्सटर्नल कर दूंगा तो आपका पहला टेस्ट हो जाएगा, आपका पहला टेस्ट आ जाएगा टाइप्स ऑफ स्टैच्यूज इंटरनल एड एक्सटर्नल एड। ओके सो दैट विल बी माय फर्स्ट पॉइंट आई विल स्टार्ट। ओके देन आई विल डू रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का टेस्ट हम लोग रख देंगे। ओके सो 13 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हमें करना है, हमें दो से तीन लेक्चर इजीली जाएंगे। फिर आएगा जनरल क्लॉज एक्ट और फिर लास्ट में हम प्रिजंस एंड और इटनरीज सब लेंगे एडिशनल सारे। ओके इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। और जब मैं जनरल क्लॉज करूंगा तो मेरे ख्याल से आपका पूरा ब्रशअप हो जाएगा और पूरा आइडियाज आपको आ जाएगा। इट इज वेरी वेरी एसेंशियल हाउ वी कैन डू इट आउट। नाउ अनदर पॉइंट आई विल लाइक टू टेक इज, हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन आता है इज विच सालमन रेज, इट इज इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। ये दो वर्ड हमारे लिए नए नहीं है, हमने लीगल लैंग्वेज में इसको पढ़ा है, लीगल लैंग्वेज में हमको पढ़ा है। तो कैन यू टेल मी नुपुर, श्रुति, श्रुतिका, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है? सर एक्चुअली वो सेम है, उसमें डिफरेंस नहीं है। दिस इज व्हाट सैल्मन सेज, अकॉर्डिंग टू सैल्मन इट इज सेम, बट माय फ्रेंड्स देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन इट। इंटरप्रिटेशन इज मेकिंग अ मीनिंग ऑफ वन सेंटेंस। ओके इट मे बी रेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट, इट मे बी रेलेवेंट टू द सिस्टम। जब कंस्ट्रक्शन है वो वन स्टेप हायर है, वो वन स्टेप हायर है। कंस्ट्रक्शन मीन्स रिमूविंग द मीनिंग आउट ऑफ इट, रिमूविंग द मीनिंग आउट ऑफ इट। लाइक आई विल टेक इट अप अ जजमेंट ऑफ, आई विल टेल यू केशवानंद भारती, इतने सालों से बार बार हमने पढ़ा हुआ है। ओके यस कंस्ट्रक्शन डिटरमाइंस लीगल एक्टिविटी, यस केशवानंद भारती, केशवानंद भारती गोलकनाथ केस, इसमें क्या हुआ था? इसमें वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ था, बल्कि हमने क्या किया था उसको एडिशनल पॉइंट में डाला था। सो दिस इज व्हाट ऑल आई विल टेक इट अप फॉर टुडे। आई विल सेंड यू बोथ ऑफ दिस नोट्स, ओके ऑन योर व्हाट्सएप। ओके देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, बट साल्मंड के लिए दोनों सेम है। साल्मंड दोनों को सेम बोलता है और वो कहता है हम इंटरप्रिटेशन से ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, बट बुक का नाम तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज रखता है। ओके सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओके द पीपल हु हैव केम आफ्टर साल्मंड हैज डन लॉट ऑफ रिसर्च एंड लॉट ऑफ थिंग्स। ओके देयर इज अ थिन वॉल ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन, बट येट दे आर डिफरेंट। ओके सो विद दिस Shall I end up my today's session?